अगर आपको लगता है कि गुरुकुल हब से जुड़कर आप अपने सरकारी नौकरी के सपने को पूरा कर सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जीके में हमारी डेली बेसिस पर चल रही है 5000 प्रीवियस क्वेश्चंस की सीरीज, जहां पर डेली बेसिस पर हम आपको कम से कम 25 क्वेश्चंस कराकर चलते हैं। इसी सीरीज को हम लगातार जारी रखे हुए हैं और इसी सीरीज की हो जाती है 70 वीडियो, यानी कि 70वीं वीडियो। 70 वीडियो हम ऑलरेडी इसी 5000 प्रीवियस क्वेश्चंस पर कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसी सीरीज को हम आगे भी लगातार जारी रखने वाले हैं, क्योंकि आपका CHSL एग्जाम आ रहा है, रेलवे के बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं, ALP के एग्जाम हैं, फिर ग्रुप डी एग्जाम हैं और ASM की 50,000 वैकेंसी भी आ रही हैं। तो इन्हीं एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम आगे लगातार जारी रखेंगे और आपको डेली बेसिस पर इसी तरह से क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस और फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारा का नारा किस क्रांति से संबंधित है, तो ये क्रांति हो जाती है फ्रांस की क्रांति। स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारा का नारा किस क्रांति से संबंधित है, तो यह है फ्रांस की क्रांति से संबंधित। नेक्स्ट है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में। किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में। फिर है कि फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन जाना जाता है, फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है अब्दुल गफ्फार खान। फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन जाना जाता है, अब्दुल गफ्फार खान। किसे सांध्य का तारा कहते हैं, किसे कहा जाता है सांध्य का तारा, और सांध्य का तारा कहा जाता है शुक्र को। सांध्य का तारा किसे कहा जाता है, शुक्र को। किसे लैंड ऑफ थंडर बोल्ट कहा जाता है, किसे लैंड ऑफ थंडर बोल्ट कहा जाता है, तो वह कहा जाता है भूटान को। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है, तो वह है अफ्रीका महाद्वीप। किस महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे पेरियार के नाम से जाना जाता है, किसे पेरियार के नाम से जाना जाता है, तो वह हो जाता है ईवी रामास्वामी नैयर। ईवी रामास्वामी नैयर को पेरियार के नाम से जाना जाता है। मनुष्य का सामान्य रक्त दाब कितना है, ब्लड प्रेशर कितना होता है सामान्य, तो 120/80 mm/min, यानी कि ऊपर के लिए 120 और नीचे के लिए 80। किसे स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट है कि मीर बख्शी किस विभाग से संबंधित है, मीर बख्शी है सेना संगठन के विभाग से। नेक्स्ट है कि भूमध्य सागर की सीमा कितने महाद्वीप को छूती है, तो वह छूती है 3 महाद्वीप को। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह प्रसिद्ध नारा दिया था, यह दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। महावीर स्वामी का जन्म किस गोत्र में हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था यात्रिक गोत्र में। कौन सा डच का नगर है, कौन सा डच का नगर है, तो यह हो जाता है इंडोनेशिया। फिर कि सक्रिय ज्वालामुखी किस महासागर में पाए जाते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी किस महासागर में पाए जाते हैं, प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट है कि यूरेनस किस रंग से संबंधित है, तो यूरेनस संबंधित है हरे रंग से। नेक्स्ट है कि कौन लॉन्ग द्वीप कहलाता है, लॉन्ग द्वीप कहलाता है जंजीबार, जंजीबार को लॉन्ग द्वीप कहा जाता है। फिर है कि जब कुल राजस्व के समान ही कुल लागत होती है, तो उस स्थिति को कहते हैं संतुलन बिंदु। जब कुल राजस्व के समान ही कुल लागत होती है, तो उस स्थिति को कहते हैं संतुलन बिंदु। जब पूर्ण प्रतियोगिता एक बिंदु से अधिकतम होती है तथा उसकी स्थिति उपयोगिता होती है, उस स्थिति उपयोगिता होती है वह होती है शून्य पर। जब पूर्ण प्रतियोगिता एक बिंदु से अधिकतम होती है तब उसकी स्थिति उपयोगिता होती है शून्य। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन है, वे हैं हेनरी विवियन डेरिजियो। भारत में वन विस्तार है, 23.4%। नेक्स्ट है ग्रैंड चैनल किसके बीच स्थित है, ग्रैंड चैनल है निकोबार एवं सुमात्रा द्वीप समूह। निकोबार द्वीप है, ठीक है, अंडमान और निकोबार में निकोबार और सुमात्रा द्वीप है उन दोनों के बीच में। अभिनव भारत का गठन किया था विक्रम सेठ सावरकर। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक हैं अब्दुल कलाम, किस देश की जन्मदर शून्य है, तो शून्य है वैटिकन सिटी की जन्मदर शून्य।
ध्वनि ऊर्जा व विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र है माइक्रोफोन। ध्वनि ऊर्जा व विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र है माइक्रोफोन। तो गाइज ये हो जाते हैं आज के इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम से लिए गए हैं। 5000 प्रीवियस क्वेश्चंस की सीरीज का ही पार्ट है। तो इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, वो इंपोर्टेंट रहेंगी एसएससी के एग्जाम के लिए, स्टेट लेवल के किसी भी एग्जाम के लिए और रेलवे के सभी एग्जाम के लिए। तो आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे द्वारा भेजे जाने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।